असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। ये असम घाटी के उष्ण कटिबंधीय आद्र सदाबहार वनों का अंतिम शेष खंड है, जो असम का सातवां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। विदित है कि इससे पूर्व पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यान पूर्ववर्ती दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य, जयपुर आरक्षित वन तथा ऊपरी दिहिंग आरक्षित वन के पश्चिमी ब्लॉक को शामिल करता है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत डाइवर्ट किए गए वन ग्राम क्षेत्र को इस उद्यान क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जबकि दिराग तथा बूढ़ी दिहांग नदियों के कुछ हिस्से को इसमें शामिल किया गया है। लगभग 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत ये राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ तथा तिनसुकिया जिलों का एक प्रमुख हाथी निवास स्थल है। यह तितलियों की 310 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप व स्तनधारियों में से प्रत्येक की 47 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें बाघ तथा क्लाउडेड तेंदुआ शामिल है। असम में पहले से अवस्थित 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग तथा डिब्रू सैखोवा हैं। इनमें से काजीरंगा तथा मानस यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं तथा नामेरी व ओरंग के साथ ये टाइगर रिजर्व भी हैं। मध्य प्रदेश एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद असम अब तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बन गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में 12 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं।